नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर वेणुधर रौतिया। देखिए, पीएचडी वालों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है दोस्तों। पीएचडी वालों के लिए बल्ले बल्ले, बहुत बड़ी खुशखबरी, गुड न्यूज। हाँ दोस्तों, कौन पीएचडी वाले जो अभी पीएचडी कर रहे हैं या इन फ्यूचर में पीएचडी करने वाले हैं, उनका फेलोशिप का अमाउंट रिविजन किया गया है। हाँ जी, फेलोशिप का रेट अब 1 जनवरी 2019 से बढ़ गई है दोस्तों। यहां पर हम आपको बता रहे हैं, यूजीसी ने आज ही पब्लिक नोटिस जारी किया हुआ है, रिवीजन ऑफ अमाउंट ऑफ फेलोशिप। ध्यान दीजिएगा, ये फेलोशिप क्या होता है? जब हम पीएचडी करते हैं तो हमें जो है यूजीसी के द्वारा हमको फेलोशिप दिया जाता है। दूसरे अर्थों में बात करें तो ये स्टाइपन है, ये स्कॉलरशिप है। यानी कि पीएचडी वालों को जो स्टाइपन या स्कॉलरशिप मिलती है उसका नाम है फेलोशिप। वो भी 5 साल तक लगातार मिलती है, 2 साल तक जेआरएफ के रूप में और 3 से 5 साल तक जो है एसआरएफ के रूप में। जेआरएफ का मतलब जूनियर रिसर्च फेलोशिप और एसआरएफ का मतलब होता है सीनियर रिसर्च फेलोशिप। पहले कितना मिलता था, अब कितना मिलेगा? यानी कि 31 दिसंबर 2018 के पहले जो फेलोशिप की रेट थी जेआरएफ के रूप में 25,000 मिलती थी और एसआरएफ को 28,000 रुपये मिलती थी। लेकिन अब 1 जनवरी 2019 से जेआरएफ के रूप में 31,000 मिलेगी और ध्यान दीजिएगा, एसआरएफ के रूप में 35,000 रुपया मिलेगी। ये जेआरएफ और एसआरएफ किनको मिलती है, यहां पर स्पष्ट रूप से समझ जाइएगा दोस्तों। नेशनल फेलोशिप फॉर एससी, जो एससी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं यानी कि शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हैं, उनको जो है नेशनल फेलोशिप मिलती थी। राजीव गांधी रिसर्च फेलोशिप, राजीव गांधी दोस्तों, राजीव गांधी के नाम से एससी और एसटी को जो है, ठीक है। दूसरा, नेशनल फेलोशिप फॉर द ओबीसी कैंडिडेट, ओबीसी कैंडिडेट को भी जो है फेलोशिप मिलती है। और तीसरा, मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप, जो अल्पसंख्यक वर्ग के व्यक्ति हैं, ये तीनों को जो है फेलोशिप मिलती है दोस्तों। जो नेट जेआरएफ क्लियर नहीं किए हैं उनको भी मिलती है, यानी कि मिलती थी, पहले भी मिलती थी, अभी भी हो सकता है मिलेगा नहीं मिलेगा नहीं पता। एक नया नियम निकाल दिया है कि एससी एसटी ओबीसी और जो अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं वो नेट क्लियर करेंगे तभी उनको फेलोशिप मिलेगी। ध्यान दीजिएगा, अब 31,000 रुपया 2 साल, 35,000 रुपया 3 साल तक। मान लीजिए 31,000 रुपया 12 महीना में मिलती है तो 3,72,000, चूंकि जेआरएफ को दो साल मिलती है, 3,72,000 हो गया। ये 2,2,4 हो गया, 7,7,14 हो गया और 3,3,6,1,7, यानी कि 2 साल में उनको मिलेगी 7,44,000 रुपया केवल रिसर्च फेलोशिप के रूप में। यानी कि जेआरएफ के रूप में उनको जो है 2 साल में 7,44,000 रुपया, और एसआरएफ को जो है मान लीजिए 3 साल की बात करें, यहां पर 35,000 रुपया, 35,000 रुपया को जो है 12 महीना में गुणा कीजिए, 36 और 6 40, यानी कि 4 लाख रुपया जो है हर साल और 3 साल तक 12 लाख रुपया दोस्तों, 12 लाख रुपया जो है मिलेगी एसआरएफ के रूप में। और पहले से आपको जो है 7 लाख रुपया मिल चुका है, ये 12 लाख रुपया, 12,7,19,44,000 रुपया जो है ये यूजीसी देगी। एक पीएचडी करने में लगभग 19.5 लाख रुपया देगी दोस्तों, 19.5 लाख रुपया। क्या इसे यूजीसी देती है या कोई डिपार्टमेंट है? आपको हम बता दें, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये फेलोशिप प्रदान की जाती है, न कि यूजीसी। यूजीसी एक माध्यम है, चूंकि यूजीसी को जो है ये मिनिस्ट्री जो है दे देती है,
और यूजीसी अपने मापदंड के अनुसार से इनको डिस्ट्रीब्यूशन करती है दोस्तों। यानी कि 19,44,000 रुपया पीएचडी करने में एक कैंडिडेट को दिया जाता है। समझ लीजिए पूरे भारत में जो एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी के जो लोग पीएचडी कर रहे हैं, जिनको फेलोशिप मिल रही है, एक कैंडिडेट के पीछे 19,50,000 रुपया जो है फेलोशिप प्रदान की जा रही है दोस्तों। ये तो लमसम हुआ। इसके अलावा और भी बेनिफिट मिलती है, मेडिकल सुविधाएं, हाउस रेंट, साल भर में स्टेशनरी खर्च, इस तरह से आपका जो है जो यहां पर 31,000 कराए हैं ये लगभग चली जाती है 40,000 रुपया, और ये जो 35,000 कर रहे हैं ये चली जाती है 45,000 रुपया। यानी कि एक कैंडिडेट को 40,000 रुपया और जेआरएफ के रूप में, और फिर उसी कैंडिडेट को एसआरएफ के रूप में 45,000 रुपया पर मंथ मिलती है। ये तो लमसम आंकड़ा है दोस्तों। इसके अलावा अन्य बेनिफिट भी मिलती है। तो दोस्तों हमारा बताने का मतलब ये है दोस्तों, यदि आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आप जेआरएफ निकालिए। जेआरएफ निकालेंगे तो ये राशि आपको मिलेगी 19,50,000 रुपया एक पीएचडी में। 19,50,000 रुपया दोस्तों पीएचडी करने में ही जो है सबसे भलाई है। पीएचडी भी डिग्री मिलेगी, उसके बाद में असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे, फिर आपको जो है 19,50,000 रुपया भी मिलेगा, आपका घर गृहस्थी भी चलेगा, बढ़िया सा चलेगा दोस्तों। पीएचडी भी होगा, बेहतर पीएचडी होगा, और साथ ही साथ असिस्टेंट प्रोफेसर की गारंटी भी। दोस्तों पीएचडी करना सबसे बढ़िया काम होगा आपके लिए। हमने ये जानकारी इसलिए दे रहे हैं ताकि आप भी पीएचडी के लिए अप्लाई करें, आप भी जेआरएफ क्लियर करें, आप भी नेट क्लियर करें, आप भी पीएचडी के में एडमिशन लें, आप भी फेलोशिप प्रदान करें, यानी कि फेलोशिप प्राप्त करें। आपको जो है सारी सुविधाएं जो है यूजीसी के द्वारा दिया जाएगा, यानी कि भारत सरकार के द्वारा प्रदान किया जाएगा दोस्तों। ये थी आज की जो है सबसे बड़ी खुशखबरी दोस्तों, शायद आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों यहीं पर हम जो है अपने वाणी को विराम देता हूं। यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। जो इस कम्युनिटी के बच्चे हैं जो पीएचडी कर रहे हैं या पीएचडी करने के इच्छुक हैं, उनको भी जो है ये जानकारी मिल जाए। और 1 जनवरी 2019 से इस रेट पर जो है फेलोशिप प्राप्त करें, यानी कि रिवीजन रेट ऑफ द फेलोशिप, अमाउंट ऑफ द फेलोशिप वो भी प्राप्त करें। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।